कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में केंद्र सरकार से पूछे गए एक प्रश्न का जवाब ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सरकार के जवाब को आंखों में धूल झोंकने का आरोप बताया। दरअसल कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में मध्य प्रदेश में खुले में शौच को लेकर सरकार से एक प्रश्न पूछा था, जिसका लिखित जवाब देते हुए मोदी सरकार उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश 100% खुले में शौच मुक्त प्रदेश है। अब ऐसे में मोदी सरकार द्वारा दिए गए इस जवाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्तेफाक रखते नजर नहीं आए। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि ऐसा असंभव है, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 तक मध्य प्रदेश के सिर्फ 16% गांव ही खुले में शौच मुक्त यानी ODF थे। सरकार स्वीकार भी करती है कि 1 लाख से अधिक गाँव में अभी तक जाँच नहीं हुई, जिसको लेकर उन्होंने अपने ट्वीट में आखिर में लिखा है कि आंख में धूल झोंकने से सच नहीं पता चलता।